नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास आघाड़ी सरकार में क्या सब ठीक है, ये सवाल खड़ा हो गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुंबई शहर के 10 डीसीपी स्तर के अधिकारियों का इंटरनल तबादला किया था। सभी डीसीपी इसे रूटीन ट्रांसफर समझ रहे थे, लेकिन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस ऑर्डर को रद्द कर दिया है, यानी ट्रांसफर को रद्द कर दिया है। इसके बाद पिछले दो दिनों से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में पुलिस महकमे में गहमा गहमी मच गई है। आखिर जब पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी की ट्रांसफर की तो फिर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रद्द क्यों किया, रद्द करने की वजह क्या है, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़े हो गए हैं। पहले आप देखें किन किन पुलिस अधिकारियों की बदली हुई है। गणेश शिंदे इससे पहले SB1 में डिप्टी कमिश्नर थे, जिन्हें पोर्ट जोन में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। रश्मि कारंदीकर को पोर्ट जोन से साइबर डिवीज़न में ट्रांसफ़र किया गया था। शाहजी उमप को डिटेक्शन से SB1 में ट्रांसफ़र किया गया था। डिटेक्शन में मोहन दहिकर जोन 11 से ट्रांसफ़र किए गए थे। विशाल ठाकुर को साइबर सेल से जोन 11 में ट्रांसफ़र किया गया था। संग्राम सिंह निशानदार को जोन 1 से मुंबई पुलिस ऑपरेशन का DCP बनाया गया था। प्रणय अशोक को मुंबई पुलिस जोन में ट्रांसफ़र किया गया था। परमजीत सिंह दहिया पहले जोन 7 में थे, उन्हें जोन 1 में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। प्रशांत कदम शौर संरक्षण विभाग में थे, जिन्हें जोन 7 में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। नंद कुमार ठाकुर को हेडक्वार्टर का DCP नियुक्त किया गया था। तो आपने देखा ये 10 नाम है DCP की, जो DCP रैंक के DCP स्तर के जो अधिकारी हैं पुलिस अधिकारी की, जिसकी तबादला कर दिया गया है और उसके बाद राजनीति मुंबई महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। DCP स्तर के सभी पुलिस अधिकारियों को अब वही रहना है जहां वो पहले कार्यरत थे। ट्रांसफ़र ऑर्डर रोक दी गई है, जिसके बाद विपक्षी दलों में आवाज़ उठने लगी है। जो निर्णय लिया गया था वह निर्णय रोक दिया जाता है और यह लगातार 3 महीने से हो रहा है। इनका 3 दलों का आपसी मनमुटाव, इनकी कोताही, इनकी बदइंतजामी और बार बार निर्णय लेना, उस निर्णय को 2 दिन के बाद बदलना, पूरी तरह से यह 3 दलों की महाराष्ट्र की कंफ्यूज सरकार है और इनकी कोताही के कारण मुंबई और महाराष्ट्र के हालात बद से बदतर हो गए हैं। कब इनके आपसी झगड़े सुलझेंगे? क्या इस प्रकार से निर्णय लेने के बाद उस निर्णय को बदला जाता है? अगर बदलना ही है तो निर्णय लिया क्यों गया? इन बातों का जवाब इन 3 दलों को देना होगा। 12 DCP की बदली को स्थगित कर दिया, 2 दिन के अंदर नवी मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर की बदली स्थगित कर दी, 2 दिन के अंदर 2 किलोमीटर के बाहर जा नहीं सकते हो उस आदेश को स्थगित कर दिया, 4,000 कोरोना मृत्यु गायब कर दिए, क्या हो रहा है? लगातार इस मुद्दे पर बहस चल रही है। आखिर सरकार निर्णय लेती है फिर उसे 2 दिन में बदल देती है। ठीक इसी तरह DCP का ट्रांसफर को रद्द कर दिया गया। आपको बता दें 10 DCP का इंटरनल ट्रांसफर 2 जुलाई को किया गया था, लेकिन महाविकास आघाड़ी की सरकार ने CP के आदेश को रद्द कर दिया, जिसके बाद BJP को एक और मौका मिला सरकार पर हमला करने का। BJP के हमलावार होने के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सफाई दी है कि MVA में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। MVA में शामिल 3 दल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार को चला रहे हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।